लगता है नेता विवादास्पद बयान देकर सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। बात अगर सत्ता पक्ष की होती है तो विपक्ष हंगामा करता है, और जब कोई विपक्ष का नेता विवादास्पद बयान देता है तो सत्ता पक्ष उखड़ जाता है। संसद में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह जहां केंद्रीय मंत्री निरंजना ज्योति के बयान को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, वहीं मंगलवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में दिए गए बयान को लेकर सत्ता पक्ष यानी भाजपा के सांसदों ने हंगामा किया। सरकार ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने जिस प्रकार से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कल्याण बनर्जी को अपने इन वक्तव्यों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि कल्याण बनर्जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो सरकार उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा। दिल्ली में हुए बलात्कार के मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वक्तव्य दिया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भी राजनाथ सिंह से संसद भवन परिसर में भेंट की और पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा उनको दिया। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में होने वाली बलात्कार की घटना और दूसरी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ मनोज वर्मा संसद से।